हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले अली भाई हैं, उनका एक मैसेज आया कि उनका 120वां लेवल जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है, पावर जो है, वो बहुत कम है। तो भाई वो तभी क्लियर होगा जब अपने एयरक्राफ्ट को आप अपग्रेड करते जाएंगे, और टायर 1 का एयरक्राफ्ट को 10 स्टार तक करने के बाद उसके बाद उसको टायर 2 में कन्वर्ट कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे, तभी आप आगे के लेवल को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, कस्टम गियर का इस्तेमाल आपको करना ही करना है कस्टम गियर के लिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आइए इस पे सर्कुलर वाले कॉलम पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गियर लिखा हुआ है, गियर मशीन। ओके, गियर मशीन में आपको यूज़ करना है, जैसे मेरे पास देख लीजिए 3 ब्रॉन्ज कॉइन है। पहले से मैं देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 5 मिले हैं, नॉर्मल कुछ नहीं मिला है। ठीक है, दूसरे कॉइन से देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ पे तीसरे कॉइन से देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल जा कुछ तो मिल जा, कुछ नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ब्रॉन्ज भी 2 कॉइन है, उनको भी देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए मिल गया, कुछ तो मिला। ठीक है, टैप टू कंटिन्यू, एक्सेप्ट। ये क्या है? ब्रॉन्ज विंगमैन फ्यूजलेज आर्मर सपोर्ट टायर 2 का, देखिए मिल गया है। ठीक है, इसके बाद एक सिल्वर कॉइन और है, इसे हम चिप्स कह सकते हैं, सिल्वर चिप्स। ठीक है, इसमें भी मुझे देखिए मिल गया है, क्या मिला है? टैप टू कंटिन्यू, ब्रॉन्ज एयरक्राफ्ट मेन गन सपोर्ट। ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है कस्टम गियर। इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है? इसका इस्तेमाल आपको करना है एयरक्राफ्ट में, जैसे ये एयरक्राफ्ट है, इसके इन्फो में जाना है। मेरा टायर 3 का है, ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा कस्टम गियर। देखिए मेरे पास भी कोई भी टायर 3 का कस्टम गियर नहीं है जिसको मैं यहाँ पे लगा सकूँ। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे थोड़ा वेट करना होगा, या तो मैं अपग्रेड करूँगा अपने, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको टायर 1 का एयरक्राफ्ट। ठीक है, जैसे टायर 1 का एयरक्राफ्ट है, इन्फो में जाइए और यहाँ पे कस्टम गियर। ठीक है, तो यहाँ मैंने इतने सारे लगा रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए मेन गन, मेन गन मेरे पास 3 है। ठीक है, साइड गन 2 है। ठीक है, बैकअप गन मेरे पास बहुत है, तो अगर मैं इसको अपग्रेड करूँगा तो इसका टायर 2 में ले जा सकता हूँ। ठीक है, टायर 2 में कर सकता हूँ मैं। और ये है मेरे पास एयरक्राफ्ट का फ्यूजल विंग आर्मर। ठीक है, इसके बाद मेरे पास रेयर विंग आर्मर भी 3 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने परचेज़ नहीं किया है, मैंने केवल कॉइन्स जो मुझे चिप्स मिलते रहे हैं ब्रॉन्ज और सिल्वर के, उनका मैंने इस्तेमाल किया है, जिसके बाद मुझे मिल गए हैं इतने सारे गियर फ्री में। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगी है, मेहनत तो लगी ही है, फ्री में नहीं है, मेहनत का कमाल है। तो आप भी इसको पा सकते हैं मेहनत करके थोड़ा सा। ठीक है, तो जब आपका एयरक्राफ्ट, विंगमैन और डिवाइस तीनों अपग्रेडेड होंगे, तभी आप कैंपेन मिशन में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसी समय के इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे अपग्रेड इंजन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको रेंच की मदद से, बैटरी पावर की मदद से अपग्रेड करना है अपने एयरक्राफ्ट के किसको? इंजन को। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ फिर से टायर 1 में, अभी मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसलिए मैं अपग्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा भी पूरा ध्यान था कि मेरे पास एक टायर 3 का एयरक्राफ्ट हो जाए, जो हो गया है। अब मैं धीरे धीरे सबको अपग्रेड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इन्फो पे जाइए, यहाँ पे बाद आप अपग्रेड इंजन पे क्लिक कीजिए। देखिए मेरा यहाँ पर जो इंजन पावर है वो मॉडरेट है। ठीक है, यहाँ भी 2-3 बचे हैं, इसको भी मैं अपग्रेड कर दूंगा। तो इसके लिए यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए, इसके बाद जेम्स का इस्तेमाल करके आपको बैटरी पावर मिल जाएगी। बैटरी पावर को परचेज़ कर लीजिए 800 में 140 सीधे करिए। ठीक है, ये फ़ायदे का सौदा है। इसके बाद यहाँ पे रेंज का इस्तेमाल करिए, सक्सेस चांस 80% है, मतलब एक बार हो सकता है हो, एक बार हो सकता है ना हो। ठीक है, तो रेंज को बहुत सारा इकट्ठा कर लीजिए धीरे धीरे करके। टायर 1 टायर 2 के, अगर आपके पास टायर 2 के एयरक्राफ्ट है, तो टायर 1 और टायर 2 के एयरक्राफ्ट की मदद से टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करिए, वहाँ पे आपको रेंज मिल जाएगी। ठीक है, रेंज को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो रेंज के लिए फिर से यहाँ पे कार्ट में आइए, यहाँ पे मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। 100 जेम्स में 1000 रेंज मिल रहे हैं, 500 जेम्स में 5500 रेंज मिल रहे हैं, और 1000 जेम्स में 12000 रेंज मिल रहे हैं। तो रेंज की कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसे पा सकते हैं जेम्स की मदद से। बस जेम्स को हमें इकट्ठा करते रहना है। जेम्स को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? सिंगल प्लेयर में आइए, यहाँ पे कैंपेन मिशन को खेलते रहिए। यहाँ पे जो नीचे मिशंस रहते हैं सबमरीन के, और ये देखें स्टोर इन्फॉर्मेशन स्टील्स मिशन का है। ठीक है, यहाँ पे स्कॉट सप्लाई एयरक्राफ्ट वाला मिशन है, और चौथा है डिस्ट्रॉय एनिमी वाला। यहाँ पे नीचे कार्ड किसी पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए, मैंने अभी इसको लिया नहीं है, मैं ले लूँगा। 2700 पॉइंट्स में मुझे 200 जेम्स मिल जाएंगे, और 300 पॉइंट्स पे 20 जेम मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सब में देख सकते हैं, ये है जिसकी मदद से आप
पर वो खेलिए, प्ले करिए, और इसके बाद आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स की मदद से आप जेम्स, रेंच, मनी और मॉड्यूल ये सब आसानी से पा सकते हैं। अपने एयरक्राफ्ट को, मॉड्यूल को अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं मॉड्यूल की मदद से। अब मेरे पास देखिए टायर टू का है, इसको मैं टायर थ्री में करने की कोशिश करूँगा ताकि ये वाला भी एयरक्राफ्ट मेरा टायर थ्री हो जाए। ठीक है, तो आपको भी यही कोशिश करते रहना है कि आप अपने एयरक्राफ्ट को, विंगमैन को, डिवाइस को धीरे धीरे अपग्रेड करते रहना है, जिससे आपका जो एयरक्राफ्ट की पावर है वो इंक्रीज़ हो जाए और आप लूज़ ना करें। ठीक है, यहाँ पर इवेंट एक चल ही रहा है, यहाँ पर भी आप धीरे धीरे खेलिए, पार्टिसिपेट करिए और कोशिश करिए कि यहाँ भी पा जाइए। ठीक है, मैंने भी अभी इसको नहीं खेला, मैं आज इसको खेलूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे एक लूनार न्यू ईयर इवेंट चल रहा है, जिसमें आप कैंपेन मिशन में खेल सकते हैं और इसके सिंगल प्लेयर के मिशन को खेल करके वहाँ पे आपको लूनार कार्ड्स मिलेंगे, जिसकी मदद से आप इन सब सारी चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, 500 पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास 500 कार्ड है तो आसानी से ही आप इसको तुरंत पा जाएंगे, 500 में 100 जेम्स को। ठीक है, तो किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपके जो एयरक्राफ्ट की पावर है, विंगमैन की पावर है और जो डिवाइस की पावर है वो अपग्रेडेड रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टायर वन के एयरक्राफ्ट की मदद से 200वां लेवल क्लियर कर लेंगे या 200 लेवल क्लियर कर देंगे, नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। आपको अपने एयरक्राफ्ट की पावर को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। अगर आपके एयरक्राफ्ट की पावर कम हो गई है, ठीक है, और आप कैंपेन मिशन में आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अब क्लियर नहीं हो रहा है तो रुक जाइए, कैंपेन मिशन को खेलना बंद करिए। पहले धीरे धीरे करके 2-4 दिन केवल मिशन को खेलिए और पुराने कैंपेन मिशन को खेलिए कि आपको कुछ ना कुछ कॉइन्स और ये सब मिलते रहे। ठीक है, धीरे धीरे इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद अपने एयरक्राफ्ट की और विंगमैन डिवाइस की पावर को बढ़ाइए, जब उनकी पावर इंक्रीज़ हो जाए तब आगे के कैंपेन मिशन को खेलिए। थोड़ा सब्र की ज़रूरत है इसमें, अगर आप फ्री में खेल रहे हैं तो। ठीक है, फ्री में खेल रहे हैं तो सब्र की ज़रूरत है। अब मेरे अंदर देखिए, मैं भी सब्र से ही खेल रहा हूँ, अब जाके मेरा टायर थ्री का एक एयरक्राफ्ट हुआ है। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खेलिए, क्या कहते हैं उसे, खुशी दिल से खेलिए, खुश दिल से, कि ठीक है, धीरे धीरे खेलना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक बार जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप एयरक्राफ्ट को अपने अपग्रेड करते जाइए, जैसे मैंने बताया, कस्टम गियर की हेल्प लीजिए, मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करिए, रेंच का मदद करिए और इंजन पावर को परचेज़ करिए, जिससे आप अपने एयरक्राफ्ट, विंगमैन और डिवाइस, तीनों का प्रोसेस सेम ही है। मैं बताता केवल एयरक्राफ्ट का हूँ लेकिन नाम मैं तीनों का इसलिए लेता हूँ क्योंकि तीनों की प्रोसेस सेम है, जिसकी मदद से आप अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, और वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करिए। ठीक है, बहुत जल्द हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 398 है अभी मैंने देखा है, तो बहुत जल्द 500 हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इन्जॉय करिए। ओके, थैंक यू।